आप कभी मुंबई आए हैं? यहाँ की भीड़, यहाँ का वड़ा पाव, लोकल की सवारी, मरीन ड्राइव, सब कुछ वर्ल्ड फेमस है। लेकिन पता है इन सबसे ज्यादा क्या फेमस है यहाँ? बप्पा। गणेश चतुर्थी यहाँ किसी एक धर्म का सिर्फ त्योहार नहीं है, ये एक भावना है। भगवान गणेश यहाँ भगवान नहीं है, वो यहाँ के राजा हैं। एक ऐसे राजा जिनके दर्शन के लिए पूरा शहर प्रजा के जैसे सड़क किनारे पलके बिछाए उनका इंतजार करता है। बस उसी प्रजा का हिस्सा बनकर अपने राजा के दर्शन में मैं भी आ पहुंचा मुंबई। साउथ बॉम्बे के गलियारों में ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा की विदाई की एक झलक पाने के लिए लोगों का सैलाब जाते देखा मैंने। इधर ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई किसी धर्म का है, ना किसी रंग का है। बप्पा बस सबके हैं। सुरक्षा करती मुंबई पुलिस के सिपाही इस जलसे का बंदोबस्त एकदम चौकस होकर देखते। भगवान भी परीक्षा लेने में कम नहीं है, लेकिन मौसम की मार का और पानी की बौछार का लोगों की आस्था पर कोई असर नहीं दिखा। बस अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं बप्पा के साथ उनकी विदाई के लिए। सुबह के 11 बजे से रात के 11 बज गए और भीड़ बढ़ती ही जा रही है, लेकिन कमजोर तो हम भी नहीं है ना। पूरी शिद्दत से इस जलसे को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। रात से सुबह हो गई, लेकिन लोगों के जज्बे को सलाम है, अपनी जगह बनाकर इंतजार कर रहे हैं लाल बाग के राजा। और जैसे ही उनका आगमन होता है, आप देख के जान जाएंगे कि क्यों। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर उनकी विदाई के लिए गिरगांव चौपाटी आ गया हो। बस इस दिव्य दृश्य के लिए 23 घंटे का अखंड परिश्रम अब मानो सफल हो गया हो। बप्पा विघ्न हरता, सहस्र भक्त जन का तू एक करता धरता, द्वेष मुक्त मन वो तू जिसमें वास करता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे हरे। विघ्न हरता हे बप्पा विघ्न हरता, लग तेरा है माथे पे जिसके भी निखरता, कर्म की कसौटी पे है खरा उतरता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे हरे। विसर्जन की कहानी तो खत्म हो जाती है यहाँ, लेकिन विदाई के बाद सफाई का कार्य सबसे ज्यादा कठिन है और उसे हाथ में लेते हैं NSS, NCC और बाकी की समाज सेवी संस्थाएं। जहां लाखों लोग बप्पा के साथ विदाई के लिए आते हैं, वहां सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही सफाई में हाथ बढ़ाते हैं। मेरी एक छोटी सी विनती है, आस्था के इस महासंगम के बाद के ये दृश्य थोड़े विचलित करते हैं। श्रद्धा का ये रूप आश्चर्य करने वाला है। भले ही विसर्जन के बाद भगवान की इस मूर्ति से विदाई हो जाती है, लेकिन हमारी भावना से तो नहीं हो सकती ना, और पर्यावरण पर तो इसका बहुत ही घातक असर होता है। अगर इन चीजों का हम थोड़ा सा भी ध्यान रखें तो शायद स्थिति और बेहतर हो सकती है।
बस इसी विचार के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। क्या सही है, कितना सही है और कितना गलत, ये आप लोग खुद तय कर सकते हैं। गणपति बप्पा मोरिया।